गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अनएक्सपेक्टेडली माय हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। आश्चर्यजनक तरीके से, जिस बात की लेखक को आशा भी नहीं थी, उसका सर पानी के बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे वाटर वेवर वॉज नियर कैप्साइजिंग। उसने देखा कि कुछ ही मीटर की दूरी पर उसकी जो पानी की नाव थी, पानी का जहाज था छोटा सा, वह लगभग डूब सा रहा था। हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल और जो उसके मस्तूल थे, पतवार थी, वो भी लगभग तिरछी हो चुकी थी। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। तभी एक लहर ने पानी के नाव को सीधा कर दिया। माय लाइफलेस जग टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन जट थी वो ठीक मेरे सामने थी। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वाटर वॉकर्स मेन बूम। और मैंने जो पानी का मेरा जहाज छोटा सा था, उसकी मैंने रेलिंग को पकड़ा और मैं हवा में कूदकर अपने पानी के जहाज पर आ गया। सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और उसी समय तेज लहरों ने मुझे पानी के जहाज पर एक कपड़े की गुड़िया की तरह उठाकर फेंक दिया। माय लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माय माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरी जो बाएं हड्डियां थीं वो टूट गई थीं। मेरा चेहरा जो था, मुंह जो था, वो खून से भर गया था और मेरे दांत टूट गए थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील lined up the stern for the next wave and hung on. किसी प्रकार मैंने व्हील को पकड़ा, जिससे पानी के जहाज को चलाया जाता है, उसको पकड़ा और अपने पानी के जहाज को सही स्थिति में लाकर खड़ा किया। Water, water everywhere, चारों ओर पानी ही पानी था। I could feel that the ship had water below. मैंने महसूस किया कि पानी के जहाज के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। आई डेयर्ड नॉट एबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं व्हील को छोड़ूं, जिससे पानी के जहाज को चलाया जाता है, कमांड किया जाता है, उसको छोड़ूं और जाकर नीचे पानी देखूं। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक पानी के जहाज में जो ऊपर आने के लिए एक होल था, ढक्कन था, वो खुला और उसकी पत्नी मैरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम। वो दुख के साथ चिल्लाई, हम सब डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। हमारा पानी का जहाज पूरी तरह से पानी से भर चुका है और हमारा पानी का जहाज जो है उसको भी बहुत नुकसान हो चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ देर के लिए तुम व्हील को पकड़ो, पहिए को पकड़ो, चक्के को पकड़ो। और मैं उस ढक्कन की ओर गया जहाँ जिस ढक्कन से होकर मेरी पत्नी ऊपर की ओर आई थी। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब दोनों पागलों की तरह पानी के जहाज से पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ब इनवर्ट्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेंस एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर। सारी चीज़ें जो थीं, प्रयोग की जितनी भी चीज़ें थी, कपड़े थे, बर्तन थे, चार्ट्स थे, खिलौने थे बच्चों के, सब जो थे वो पानी में नीचे डूब गए थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. मैं आधा तैरता हुआ, आधा रेंगता हुआ बच्चों के केबिन की ओर पहुंचा। Are you all right? I asked. वहां पहुंचकर मैंने बच्चों से पूछा, क्या आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं? Yes, they answered from an upper bunk. उन्होंने उत्तर दिया कि वो बिल्कुल सही हैं। But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump over above her eyes. उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे सर के ऊपर थोड़ा सा चोट लग गई है। और उसने अपने आँखों के ऊपर जो चोट लगी थी सर पर, उसको दिखाया।
आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और मैंने उस समय इस बात की परवाह नहीं की, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरी बेटी को सर पर जो चोट लगी है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अपने बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकालना था। एंड फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और फिर एक हथौड़ा लेकर, पाना लेकर और कैनवास लेकर, किरमिच का कपड़ा लेकर, तिरपाल लेकर, मैं संघर्ष करता हुआ फिर से पानी के जहाज के तट पर आ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड वेस्ट अपॉन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। हम देख रहे थे कि पानी की लहरों के द्वारा पानी लगातार पानी के जहाज के तट पर आ रहा था। If I could not make some repairs, we would surely sink. यदि मैं उन पानी जहाँ से पानी आ रहा था उन छेदों को अगर मैं सुधार नहीं पाता तो निश्चित रूप से हम डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी प्रकार मैंने किरमिच के कपड़े से उन सारे छेदों को बंद किया जहाँ से होकर पानी के जहाज में आ रहा था। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्टम बिलो, कुछ पानी लगातार नीचे की ओर आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी जो था वो पानी के जहाज से, हमारे पानी के जहाज से निकल गया था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। हमारी समस्याएं उस समय और ज़्यादा बढ़ गईं जब हमारे हैंडपम्प ने काम करना बंद कर दिया और जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण उसने भी काम करना बंद कर दिया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का स्तर हमारे पानी के जहाज पर बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंडपम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवर बोर्ड अलॉन्ग विद द पोस्टी सेल, द जिप, द डेंगल्स एंड द मेन एंकर। जब मैं वापस पानी के जहाज के तख्त पर आया तो मैंने देखा कि हमारे जो बचे हुए दो हैंडपम्प थे वो भी पानी में डूब गए थे और सारी चीज़ें जो पानी के जहाज को सुधारने के लिए आवश्यक थीं वो पानी में गिर गई थी, डूब गई थी। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी मुझे याद आया कि हमारे चार्ट रूम जो था उसके फर्श के नीचे हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। मैंने इसे एक पाइप से जोड़ा और यह पाकर कि यह पंप काम कर रहा था मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पूरी रात जो हमारी थी वो अत्यधिक कष्टों के साथ बीती। बहुत ठंड हो रही थी, हम लगातार पानी को बाहर निकाल रहे थे, पानी के जहाज को आगे बढ़ा रहे थे और सिग्नल प्राप्त करने के लिए रेडियो पर काम कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स। हमें किसी प्रकार की कोई सूचनाएं नहीं मिल रही थी, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम एक ऐसे स्थान पर थे, संसार के ऐसे कोने पर थे जहाँ से हमारा किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। सूज हैड स्वेलन अलार्मली, सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज एंड नाउ सी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। सू, मेरी बेटी जो सू थी उसके सिर पर, माथे पर सूजन बढ़ रही थी। उसकी आँखें ना सो पाने के कारण सूजी हुई थी और अब उसने अपनी बाह पर लगी हुई चोट को भी दिखाया। When I asked her why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे अपनी इन चोटों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, she replied to मेरी बेटी ने उत्तर दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all, कि मैं उस समय आपको परेशान करना नहीं चाहती थी, चिंतित करना नहीं चाहती थी जब आप हम सबको बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, पानी के जहाज को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट फर्स्ट। टुमारो आई विल मेक यू रीड द रेस्ट रीडिंग ऑफ दिस लेसन। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।